तो भैया एक सामान्य गांव से गोविंदगिरी गोस्वामी जी का सफर शुरू होता है। एक छोटे से परिवार में पिताजी पहुंचे थे। बहुत लंबा संघर्ष पिताजी ने किया। तीन बेटे थे उनको पढ़ाई लिखाई, और बहनें थी, तीन चार बहनें थी। तो पिताजी भी पहुंच गए थे, बहुत संघर्ष किया उन दिनों। बहुत कम तनख्वाह हुआ करती थी। पिताजी ने भाई पहुंच में भी थे, घर भी, रिटायरमेंट आए उसके बाद बकरियाँ रखी, तमाम खेती बाड़ी का काम शुरू किया। वहाँ से गोविंदगिरी गोस्वामी जी का जीवन शुरू होता है। गोविंदगिरी गोस्वामी जी फौज में भर्ती हो जाते हैं, और उनको जुनून होता है पहाड़ के प्रेम से, और पहाड़ के प्रति उनका प्रेम गीतों के माध्यम से झलका। तो वो प्रतिभा भी फौज में उनको देखने को मिली। तो आइए पूछते हैं गोविंदगिरी गोस्वामी जी, कैसा आपका फौज का सफर रहा, कब आप भर्ती हुए, कितना आपने सर्विस वहां करी, वो तमाम चीज बताने बताएं। बहुत अच्छा सफर रहा मेरा फौज का। मैं जितना भी रहा, जितना भी वहाँ पर नौकरी बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कुमाऊँ रेजिमेंट में था। हमारी कुमाऊँ रेजिमेंट एक उत्तराखंड कुमाऊँ ऑल इंडिया की शान है, और बहुत अच्छा एक आर्मी में एक सुंदर जो स्थान है, और वहाँ पर बहुत एक बढ़िया सा माहौल रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फौज में रहते रहते आपने कैसे ये गाना की तरफ, आपने ये गीतों की तरफ, पहाड़ के गीतों की तरफ कैसे आपका ध्यान गया, कैसे आपने सोचा, या बचपन से ही आपकी तमन्ना थी कि यार मुझे सिंगर बनना है, या गाना गाने हैं, गाने लिखने हैं, तमाम चीज़ें प्रतिभाएं आपके अंदर टूट टूट के भरी हुई थी। बोला जी, मैं जब फौज में गया मुझे काफ़ी अच्छा गाने का पहले से शौक था, बचपन में भी शौक था, मैं बचपन में भी गाता था। जब मैं आर्मी में गया वहाँ भी गाता था मैं, और काफ़ी अच्छा रहा वहाँ भी, बहुत मौका मिला, और वहाँ भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते थे, हम वहाँ भी मौका मिलता था, वहाँ भी गाया करते थे। तो फिर उसके बाद आप फोन से आप आगे गए, तो फिर आपने लगातार वो चीजें कंटिन्यू रखी जो जो गाने हैं हमारे पहाड़ के, क्योंकि आपको तो गाने लिखने भी हैं और गाना भी है, और तमाम चीजों का आपको शौक है, और आप चैनलों के माध्यम से आपने कई गाने गाए जो लोग पसंद करते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके गाने हैं। कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत मैंने पहले एक कैसेट थी जो मेरा अच्छा चला, मैं झरनों को पानी करके कहना है, और लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको, और वो अच्छा भी चला, करीबन 10 मिलियन करके वो गाना पहुंचा हुआ है, चलिए और उस गाने से मेरे को थोड़ी बहुत पहचान मिली। वाकई आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, और आपकी आवाज बहुत अच्छी है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हैं आपको, क्योंकि आपने जो है आपके गानों में पहाड़ का दर्द दिखता है और पहाड़ की पीड़ा दिखती है। तो उसके बाद आपने कितने गाने और गाए, या कितने गाने रिकॉर्ड करवाए? गाने तो मैंने बहुत गाए, पहले भी बहुत गाए हुए हैं, और जो मैंने जो मेरा गाना झरनों को पानी, उसके बाद में कुछ मैंने गैप किया, मैंने कुछ दिन रुका, मैं म्यूजिक करता रहा। उसके बाद जो मैं अभी लेटेस्ट जो आया हुआ है चंद्रा भोजी करके, बहुत अच्छा, लोगों ने प्यार दिया उसको, कम से कम वो अभी 8 लाख के करीब पहुंच गया है 1 महीने में, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे लोग यही प्यार देते रहेंगे। तो दोस्तों ये रिटायरमेंट के बाद तमाम गाने इनके आए, रिकॉर्ड गए, लेकिन कई परिस्थितियां होती हैं, इंसान बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि कहीं पर जो है गृहस्थी आड़े आती है, कहीं पर पैसा आड़े आता है, कहीं पर आदमी रिकॉर्डिंग करवाना चाहता है, तो वहाँ पर बड़ी समस्याएं आती है। तो ये आम पहाड़ के जो भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे युवा प्रतिभावान सिंगर भी अभी पहाड़ में है जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, उनके पास संसाधन नहीं होते हैं। उन संसाधनों की उससे बहुत सारे जो इनके अंदर उमंग और उत्साह है, उस उमंग और उत्साह को बहुत जल्दी नहीं आ पाता, क्योंकि धीरे धीरे ये लोग करते हैं, क्योंकि जैसी व्यवस्थाएं होती है, जेब में पैसा होता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, टीम बुलानी पड़ती है, बहुत सारा इसमें खर्चा आता है। तो इसलिए गोविंदगिरी जी ने धीरे धीरे ये जो अपना सिंगिंग का कार्यक्रम है धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उसके बाद इनका आया कोटे की भगवती मैया, और कोटे की भगवती मैया भजन
पहला भजन होगा कोट की बहू थी मैया पर, तो इन्होंने गाया, तो वो भजन में भी लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। और आप बताइए वो भजन कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे आपने लिखा, वो कैसे तो गाया? माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि माँ ने ही हमें उस चीज को दिया है। और मेरे को सोचते सोचते ऐसी ध्यान आया, क्योंकि हमारे सामने माँ भगवती है, हम उनके चरणों में हैं। अब मैं सोचते सोचते यही आया कि मेरे ख्याल आया कि माँ के यार एक भजन माँ के ऑटोमेटिकली दिमाग में आया, तो मैंने वो भजन प्रयास किया बनाने की कोशिश की, तो एक अच्छा सा भजन, सुंदर सा भजन बना। हो हम गए रिकॉर्डिंग की, और रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने वीडियो बनाया उसकी, आपके चैनल के माध्यम से हमने उसको लॉन्च किया, और काफ़ी प्यार मिला है लोगों का, और बहुत सुंदर भजन है वो। और जिस जिसने नहीं देखा, मैं सभी मित्रों से यही अनुरोध करूंगा कि वो उसको जरूर किसी बोरा ब्लॉग में जाए। तो दोस्तों आपने सुना गोविंद गिरी गोस्वामी जी को, बहुत सारे अपने जीवन के बारे में गोविंद गिरी गोस्वामी जी ने बताया, और कुछ मोटा मोटी मैंने भी बताया कि जैसे कि हम भी चैनल से जुड़े हैं, क्या कैसे संघर्ष होता है चैनल बनाने में, क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, तो इन कठिनाइयों से घबराना नहीं पड़ता है। देखा गोविंद भाई का संघर्ष, एक आम गांव से लेकर सरहदों तक देश सेवा करके आए, उसके बाद भी इनके दिल और दिमाग में पहाड़ के प्रति जो प्यार दिखा, और जो इनके अंदर पहाड़ के प्रति जो करुणा दिखी, वो आज इनके गीतों के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। गोविंद भाई से हम यही कहना चाहते हैं कि आप इसको कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको प्यार देते हैं, बहुत जो भी आपने गाने गाए उसमें आपको बहुत प्यार मिला, तो आगे और इससे भी बेहतरीन गाने आप देंगे, हम उम्मीद नहीं, हम आशा ही नहीं, उम्मीद भी करते हैं आपसे कि इससे भी बेहतरीन गाना आप देंगे। और आगे आप कौन कौन से आपके गाने आने वाले हैं और किस चैनल से आने वाले हैं, और ये भी आप हमको बता दीजिए। तो सरहदों तक उम्मीद नहीं, हम आशा ही नहीं, उम्मीद भी करते हैं आपसे कि इससे भी बेहतरीन गाना आप देंगे। और आगे आप कौन कौन से आपके गाने आने वाले हैं और किस चैनल से आने वाले हैं, और ये भी आप हमको बता दीजिए। तो जल्दी ही बोरा जी, मैं जनता से यही उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि मुझे तो बहुत जोश है अंदर से कि मैं इससे बहुत अच्छा करूँ, और मैं करूँगा, मुझे यकीन है अपने आप पर, और मैं जल्द ही आपके बीच में बहुत सुंदर सुंदर गाने आने वाले हैं अपने पहाड़ के पर जो धरोहर है उसके बारे में, और जो अपने कल्चर है उसके बारे में जल्दी ही रिकॉर्डिंग होने वाली है। और मैं मुझे ये विश्वास है कि आप, मैं यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से हम काम करेंगे, और बहुत सुंदर सुंदर गाने आप हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए और हमारे मित्रों के लिए हम जल्द ही लेकर आएंगे, और आप बने रहिए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा कि मैं आपके चैनल से के माध्यम से किशन बोरा ब्लॉग के माध्यम से, और मैं गाने भी मैं आपके साथ एक तो गाना प्रोजेक्ट अभी जल्दी ही करने वाले हैं, और वो आपको भी पता है, और मैं जनता को बताना चाहूँगी कि आप इंतज़ार, बस थोड़ी सा इंतज़ार और करिए, आपके बीच में बहुत सुंदर सुंदर गाना लेकर आ रहे हैं। सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि किशन बोरा ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।